नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बिंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों, ये वीडियो मेरी यूनिट का तीसरा अपडेट है। अब तक हमने बताया था कि आपको जगह का चुनाव कैसे करना है और आपको बेड्स का साइज़ कैसे रखना है, गोबर को ठंडा कैसे करना है। आज मैं आपको बताऊँगी कि इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। फ्रेंड्स, ये जो आप बेड्स देख रहे हैं इधर, ये देखिए, ये जो बेड्स आप देख रहे हैं ये बनकर तैयार है, पूरे तरीके से ठंडे हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसमें हम इस पर केचवे छोड़ देंगे। केचवे छोड़ने के बाद में हम इसको अच्छे तरीके से ग्रीन नेट से कवर कर देंगे। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो आप जूट की बोरियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पराली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ग्रीन नेट का यूज़ किया है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, बोरियों की अपेक्षा इसमें कम खर्च आता है और ये ड्यूरेबल भी होती है। आप 90% का जो ग्रीन नेट आता है उसका इस्तेमाल कीजिए, बेस्ट रहता है ये। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि पराली के जो तिनके आ जाते हैं नॉर्मली वर्मी कंपोस्ट में, तो जब आप इसके थ्रू वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं तो वो तिनके भी इसमें नहीं आते हैं और केचवे भी सुचारू रूप से अपना काम करते हैं। तो आइए आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। ये जो बेड्स हैं इन पर हम अब केचवा ट्रांसफ़र करेंगे। केचवा आपका जो है वो आइसिनिया फैटेडा प्रजाति का होना चाहिए। ये देखिए, एज यू कैन सी, ये आइसिनिया फैटेडा प्रजाति का केचवा होता है। ये वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट केचवा होता है। इनको आपको पूरे बेड पर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। जब भी केचवा बेड पर डाले, ध्यान रखें कहीं पर भी केचवों के गुच्छे ना रह जाए, बेड के हर एक हिस्से में केचवा प्रॉपर तरीके से पहुँचे और अपना काम करे। इस तरीके से पूरे आप बेड पर केचवे स्प्रेड कर देंगे। एक स्क्वायर फिट में लगभग 1 किलो केचवे लगते हैं एक अंदाज़न। बाकी आप जब डालेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि सफिशिएंट है। उसके बाद में ग्रीन नेट से कवर करने के बाद आपको एक बार इस पर पानी का छिड़काव कर देना है। पानी का छिड़काव करने के बाद में 25 दिनों तक आपको इस बेड को छोड़ देना है। सिर्फ आपको ये वॉच रखना है कि बेड में हीट तो नहीं बन रही है, बेड गर्म तो नहीं हो रहा है, बेड कड़ा तो नहीं हो रहा है। 25 दिन के बाद से आप खाद का उतार लेना शुरू कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट अपडेट आप इसी तरीके का चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए, मैं आगे का अपडेट भी आपके साथ में शेयर करूंगी। और यदि आप खुद का वर्मी कंपोस्ट यूनिट डालना चाहते हैं या आप खाद बना रहे हैं लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी भाई अपना कंपोस्ट बेच नहीं पाते, हम उनका कंपोस्ट बिकवाने का भी काम कर देते हैं। तो अगर इस तरीके की भी कोई परेशानी है या आप केचवे चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। बिंग ऑर्गेनिक द्वारा पूरा सपोर्ट किया जाता है। थैंक यू।